जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से। श्री राधा रानी का स्वरूप। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, साधना की दो धाराएं हैं अनादिकाल से। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की भावना है। दूसरी धारा में अहम का सर्वथा समर्पण है। इन्हीं दोनों धाराओं के अनुसार आध्यात्म राज्य की सारी साधनाएं चलती हैं। इस समय विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में जिस धारा में कर्म की और ज्ञान की प्रधानता है, उस धारा में आत्म परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की भावना है। भगवान ने श्री गीता जी में अंतिम उपदेश में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह बड़ा सुंदर अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश भगवान का है, परंतु इस उपदेश में पाप नाश का प्रलोभन है। तुम्हारे पापों का नाश मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। पाप का भय है नहीं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। साधक समझता है कि मेरे पाप का नाश कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा। अहम के मंगल की भावना है, इसमें अहम के परिणाम की चिंता है। इससे आगे और बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा बंधन से छुटकारा हो जाना चाहिए, मुक्ति मिल जानी चाहिए। किसको? जिसे बंधन है उसको। मुक्ति की चाह में अहम की अपेक्षा है ही। बंधन की कल्पना में यह सहज बात है कि मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्ति मिले। यहाँ मोक्ष की इच्छा है, जिसे मुमुक्षा कहते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि उसे बंधन की तीव्र वेदना है और वह बंधन से छूट जाना चाहता है। मैं बंधन में हूँ और मैं छूट जाऊँ, यह जो बंधन का बोध है, इसमें अहम के मंगल की आकांक्षा भरी है। इसी से जहाँ कोई प्रलोभन नहीं, जहाँ ऐसी कोई भावना नहीं, इसके बाद की वह स्थिति बतलाते हैं। कुछ नई सी बातें मालूम होंगी, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पाप नाश का प्रलोभन नहीं है। यहाँ साधक के मन में यह नहीं है कि मुझे पाप लगेगा। यहाँ तो वह ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा है। उसे न शोच है न आकांक्षा है, स्वयमेव अपने आप भगवान आते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। यह दूसरे स्तर की चीज है। मद भक्ति लभते पराम। यहाँ पर यहाँ भी भक्ति लाभ की आकांक्षा है। जहाँ कोई आकांक्षा नहीं, जहाँ कोई वासना नहीं, जहाँ अहम का सर्वथा विस्मरण समर्पण है, जहाँ केवल प्रेमास्पद के सुख की स्मृति है और कुछ भी नहीं। यह एक विचित्र धारा है। इस धारा का मूर्तिमान रूप ही श्री राधा है। जितनी और सखियां हैं, जितनी और गोपांगनाएं हैं, वे सब राधा व्यूह के अंतर्गत आती हैं और राधा इस भावधारा की मूर्तिमती सजीव प्रतिमा है। राधा का आदर्श, राधा का जीवन इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए भी आकांक्षित है। यह कथा आती है पद्म पुराण के पाताल खंड में। ब्रह्म विद्या स्वयं तप कर रही हैं। उनको तप करते देखकर ऋषि पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों इतने कठिन तप कर रही हैं। ब्रह्म विद्या ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ऋषियों ने पूछा, आपका कार्य? ब्रह्म विद्या ने कहा कि सारे जगत को अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देना, यह मेरा कार्य है। सारे जगत के अज्ञान तिमिर को सर्वदा के लिए हर लेना और ज्ञान को प्रकाशित करना, यह उनका स्वाभाविक कार्य है। ऋषियों ने पूछा, तो फिर आप तपस्या क्यों कर रही हैं? वे यह तो न कह सकें कि राधा भाव की प्राप्ति के लिए। उनकी यह कह सकने की भी हिम्मत न पड़ी। उन्होंने कहा, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। गोपी भाव बड़ा विलक्षण है। श्री राधा माधव के सुख की सामग्री एकत्रित कर देना, जिनके जीवन का स्वभाव है, वे हैं गोपी। अपनी बात कहीं नहीं है, जगत की स्मृति नहीं है, ब्रह्म की परवाह नहीं है, ज्ञान का प्रलोभन नहीं है,
अज्ञान का तिमिर तो है ही नहीं, वहाँ केवल एक ही बात है, दूसरी चीज है ही नहीं। गोपी केवल एक ही बात को लेकर जीवित रहती है कि वह राधा माधव को कैसे सुखी देख सकें। बस इसी गोपी भाव में इस प्रकार का प्रलोभन है, इस प्रकार का आकर्षण है कि ब्रह्म विद्या ही नहीं, स्वयं भगवान इस भाव की प्राप्ति के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार की लीला करने को बाध्य होते हैं, जिससे इस परम पुनीत परम आदर्श प्रेम राज्य की कुछ थोड़ी सी झांकी जग को प्राप्त होती है। तो यह श्री राधा भाव क्या है? भगवान के स्वरूप का एक भाव है आनंद, यह अंश नहीं, आनंदांश नहीं। सत भगवान का स्वरूप, चित्त भगवान का स्वरूप, आनंद भगवान का स्वरूप। तो भगवान का जो स्वरूपानंद है, उस स्वरूपानंद का वैष्णव शास्त्रों में नाम है आह्लादिनी शक्ति। इस आह्लादिनी शक्ति का जो सार है, जो सर्वस्व है, उसे प्रेम कहते हैं। उस प्रेम का जो परम फल है, उससे कहते हैं भाव, और वह भाव जहाँ जाकर परिपूर्ण होता है, उसे कहते हैं महाभाव। यह महाभाव ही श्री राधा है, यह महाभाव ही श्री राधा है। भाव के अनेक स्तर हैं, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये सभी आह्लादिनी शक्ति के ही भाव हैं। इन सारे भावों का जहाँ पूर्णतम प्रकाश, अनंतम प्रकाश है, वह श्री राधा भाव है। अब श्री राधा क्या है, यह कोई नहीं बता सकता कि वे क्या हैं। राधा हैं श्री कृष्ण का सुख, राधा हैं श्री कृष्ण का सुख, राधा हैं श्री कृष्ण का आनंद। राधा न हो तो श्री कृष्ण के आनंद रूप की सिद्धि ही न हो। श्री कृष्ण के आनंद का नाम है राधा। इस राधा के अनेक स्तर हैं, अनेक स्वरूप हैं, अनेक विकास हैं। इसलिए आज का यह उत्सव कोई तमाशा नहीं है, न यह किसी का जन्मोत्सव मनाया जाना ही है। यह एक बहुत ऊंचे से ऊंचे साधन का संकेत है। इस साधन के संकेत में जो साधन की दृष्टि से संवेद होते हैं, उन्हें परम उच्च साधन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तमाशा देखने वालों को तमाशा दिखता है, दोष देखने वालों को दोष ही मिलता है। श्री राधा भाव में दोष दर्शन भी है, राधा भाव में गुण दर्शन भी है, राधा भाव में निर्गुण की झांकी भी है, और राधा भाव इन सबसे परे की अचिंत्य वस्तु भी है। जिसका जैसा भाव, वह अपने भाव के अनुसार राधा के दर्शन करता है, अपने साधन की दृष्टि से ही वह राधा को देखता है। परम उच्च प्रेम राज्य की आदर्श महिमा यदि कहीं प्रकट हुई है तो वह राधा भाव में हुई है। राधा भाव का संकेत श्रीमद् भागवत में भी है। राधा भाव नित्य भाव है, जैसे राधा नित्य है वैसे ही राधा का भाव नित्य है, वैसे ही उनका रास नित्य है। इसमें किसी तरह की साधना किस प्रकार से करनी पड़ती है, इसका संकेत शायद रात को कुछ बताया जा सकता है। राधाष्टमी के दिन का ये दिन का प्रवचन है पूज्य श्री भाई जी का। इतनी समझ लेने की चीज़ें, भाई जी कहते हैं कि यह साधन राज्य की एक ऐसी विलक्षण धारा है, जिस धारा में किसी भी दूसरे प्रकार का इसके साथ वैसा संपर्क नहीं है जो इसको प्रभावित कर सके। इसलिए राधा भाव की साधना वाले जो लोग हैं, वे इस भाव को ज्ञान, कर्म आदि संस्पर्श शून्य कहते हैं। इसमें अनेक संस्पर्श लेश का भी अभाव है, इसमें उनके संस्पर्श लेश का भी अभाव है। तो क्या यहाँ अज्ञान है? तो क्या इस साधना में किसी क्रिया का सर्वथा अभाव है? देखिए, न तो इसमें क्रिया का सर्वथा अभाव है, न यहाँ पर ज्ञान का अभाव है, न यहाँ पर अज्ञान की सत्ता है। इसलिए इस प्रकार का विलक्षण भाव है कि जहाँ पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है, जहाँ जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल प्रेमास्पद की सेवा में रममाण रहते हुए भी क्रिया का सर्वथा अभाव है, क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं है प्रेमी को, वह सोता नहीं, अलसाता नहीं, भागकर जंगल में जाता नहीं, वह घर में रमता नहीं, परंतु उसको अवकाश नहीं, फिर भी उसके पास कर्म लेश नहीं,
कर्म संस्पर्श शून्य जीवन है उसका, उसका राधा भाव में कर्म संस्पर्श शून्यता है और है ज्ञान संस्पर्श शून्यता। जो ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, जो ज्ञान किसी को प्रभावित करता है, जिस ज्ञान से किसी ज्ञान की सत्ता की सिद्धि होती है, वह ज्ञान यहाँ नहीं है, ज्ञान की असत्ता है। पर पूर्णतम ज्ञान है, कर्म की असत्ता है, पर प्रेमास्पद की सेवा रूप कर्म में जीवन है। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान कर्म आदि संस्पर्श शून्य जो केवल प्रेम भाव है, वही महाभाव है और उसी महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा श्री राधा है। यह राधा का एक आदर्श स्वरूप है संक्षेप में। आगे हम कल सुनेंगे कि पूज्य श्री भाई जी ने राधाष्टमी पर रात्रि में क्या प्रवचन दिया। ये प्रवचन उनका दिन का था। जय श्री राधे।